नमस्कार, आइए बात करते हैं नोटबंदी के बारे में। पहले तो आप हमें अपना नाम बतलाइए। सुदर्शन शर्मा बुढ़ार से। बुढ़ार से। सुदर्शन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पिछले एक वर्ष से नोटबंदी हुई है, उससे हमारे जनजीवन पर कुछ असर पड़ा है? इससे तो बहुत ही असर पड़ा है। असर कई लोग हॉस्पिटल में थे उस दौरान, मैं भी थोड़ा हॉस्पिटल में था अपने फ्रेंड के एक्सीडेंट में। वो हमें जो वहाँ पे बहुत ही परेशानी हुई नोटबंदी के कारण, एटीएम में पैसा नहीं था और कहीं लोगों के पास पैसा नहीं था, तो वो दिन और वो रात हमें काली लगती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि करीब एक वर्ष बीत चुका है नोटबंदी हुए हुए, तो हमारे इस जीवन पर इस नोटबंदी का कोई असर पड़ रहा है अब कि नहीं? असर तो पड़ ही रहा है क्योंकि हमारा ही पैसा, हमें जब भी ट्रांजेक्शन करानी हो, हमें निकालना हो, उस पे भी चार्जेज लिए जा रहे हैं। अगर हम 4 बार ट्रांजेक्शन कराते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो 150 रुपये इसकी पेनल्टी। नोटबंदी से बहुत ही हमें नुकसान हुआ है, बस यही कहना आइए है। इसके पश्चात बात करते हैं एक बुजुर्गवार से कि उनके जीवन में नोटबंदी पर क्या असर पड़ा। नमस्कार जी, नमस्कार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बतलाएं। मेरा नाम आत्माराम शर्मा। आप कुठार से ही हैं, जी हाँ, तो आप ये बतलाना चाहेंगे कि जो एक वर्ष से हमारे पूरे देश में नोटबंदी का प्रसार हुआ है, उससे हमारे जीवन पर क्या कोई असर पड़ा है? हाँ पड़ा बहुत ज़्यादा जी। मतलब क्या असर पड़ा, थोड़ा इसमें बतलाएं। ऐसा है भाई, हम तो खाली खाली हो गए अच्छा जी। है जी। जो हमारी माँ बहनों ने जो पैसा रखा था, वो भी जो है एक इन्होंने जमा कर लिया है। अच्छा, तो इसका आपको कोई फायदा हुआ? मतलब आपके जो आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, आप मेरे ख्याल से यहाँ पर होटल चलाते हैं, हाँ जी, तो आपके इस होटल पर भी कोई फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा जी, मतलब ग्राहकी में फर्क पड़ा है कि ग्राहकी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ हमारे साथ यहाँ पर एक और व्यापारी जुड़े हैं जो छोटी सी रेहड़ी चलाते हैं कृष्णगढ़ कुठाड़ में। आइए इनसे भी बात करते हैं नोटबंदी के बारे में। नमस्कार जी, गया। जी आप यहाँ पर दुकान करते हैं जी, हाँ जी, चाय की दुकान करते हैं, हाँ जी, तो जब से नोटबंदी हुई है तब से आपकी गाहकी में फर्क पड़ा है कि नहीं फर्क हाँ पड़ा? जी, बहुत ज़्यादा पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है? कोई गाहक नहीं है यहाँ पे, है ना, सामान बिक रहा है। जो सामान बिका वो भी उधार में बिक गया है। हमारे को लालने भी अब सामान से काफी ये हो गया। अच्छा, तो आपके पास पहले नोटबंदी से पहले गाहक ज्यादा थे, मतलब हाँ चलते ही थे गांव गाहक, के हिसाब से गाहकी ज्यादा थी। गाकी जाए। धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं कि नोटबंदी का छोटे लोगों पर कितना असर पड़ रहा है। ये हमने यहाँ पर 3 लोगों से बात की है, और भी कई ऐसे लोग होंगे जिनका जीवन इस तरह से अस्त व्यस्त हो रहा होगा नोटबंदी से। मैं राजीव खामोश, कृष्णगढ़ कुठाड़ से, नमस्कार।